हेलो बच्चों, आप लोग लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे, लेक्चर को रिवाइज भी कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन्स और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन्स के बारे में बात हो चुकी थी। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करने जा रहे हैं कि होमोलिप्टिक क्या होता है और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में है। तो हम बात करने जा रहे हैं होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, बेसिक चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर लिखा द कॉम्प्लेक्स इन इन विच द सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम और आयन्स इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर सुनिएगा, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम आयन्स बॉन्डेड टू वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज होमोलिप्टिक। मीन्स यदि सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही टाइप से लिगेंड से अटैच हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, NiCO4। तो अगर हम बात करें निकिल, हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम किससे अटैच है, कार्बोनिल से। सिर्फ एक ही टाइप से लिगेंड से अटैच है तो इसे क्या बोले, होमोलिप्टिक। सेकेंड एग्जाम्पल आयरन CO5। इसके बाद करें कोबाल्ट NH3+। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करें NiCl4। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल मेटल एटम या आयन सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड से अटैच है तो क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक। जैसे यहाँ पे निकिल किससे अटैच है, कार्बोनिल से, यहाँ पे कार्बोनिल से। कोबाल्ट किससे अटैच है, अमोनिया से। निकिल किससे अटैच है, क्लोरीन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। के लिए आगे हम बात करते हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, मोर देन वन काइंड, मतलब एक से ज़्यादा लिगेंड्स किससे अटैच होंगे, सेंट्रल मेटल आयन से एटम से। ऐसे क्या कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोबाल्ट NH3 का होल फोर
Cl2 प्लस। तो यहाँ कोबाल्ट किससे अटैच है, अमोनिया से भी अटैच है और क्लोरीन से। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम यहाँ पे देखिए क्रोमियम किससे अटैच, वाटर से और अमोनिया से। मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स अगर अटैच है सेंट्रल मेटल आयंस या एटम, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अब आगे हम बात करते हैं लास्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। चलिए अब आज हम बात कर रहे हैं लास्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है द लिगेंड्स आर लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयंस बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आयंस डिफाइंड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से हमें क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर मेटल और इसके सराउंडिंग कितने लिगेंड्स अटैच हैं, सिक्स। कितने लिगेंड्स अटैच हैं, सिक्स। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा, सिक्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ऑक्टा हेड्रल। और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। यदि हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिएगा। पहली पॉसिबिलिटी है मेटल, इसके सराउंडिंग कितने लिगेंड्स हैं, फोर। क्या होगा यहाँ पे, sp3 होगा और इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, टेट्रा हेड्रल। फिर से देखिएगा क्या बोलेंगे, टेट्रा हेड्रल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है, dsp2, और क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा, यहाँ पे मेटल 1 2 3 4, ये आपको क्या होंगे, फोर, लेकिन एक स्क्वायर प्लेनर में होंगे, जो कि आपको पहले बार थ्योरी में पढ़ाएंगे। या तो मेटल के सराउंडिंग कितने लिगेंड्स हो, फाइव, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताए थे L, तो क्या बनेगा sp3d। अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आप बताते हैं। यदि सेंट्रल मेटल एटम से सिक्स लिगेंड अटैच है, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। फोर लिगेंड अटैच है, दो पॉसिबिलिटी है, यदि सिक्स लिगेंड अटैच है तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, या तो हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3d2 होगा या d2sp3। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के केस में मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। स्क्वायर प्लेनर केस में क्या होगा, dsp2। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो क्या बनेगा, sp3, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आज बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका कंप्लीट होता है। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और आपको इसके बिना आप IPSC के प्रॉब्लम बेटा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, न तो आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और न तो आप CFT आपको बेटा समझ में आएगी। तो आज बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो रहा है। अब इस लेक्चर को आप 2 या 3 बार लेक्चर को आप देखिए, उसको समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और आप उसको रिवाइज करिए। अब कल हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कि वर्नर थ्योरी ने क्या बोला था। वैसे वर्नर थ्योरी से प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, आपके पेपर में या तो
आईपीएससी से ज़्यादा पूछा जाता है, या तो आइसोमर्स, या तो बैलेंस बांध थ्योरी, या तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछा जाता है। मेन फोर है, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम आने फिक्स है। आईपीएससी, आइसोमर्स, बैलेंस बांध थ्योरी और सीएफटी, ये फोर ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में हर साल यहाँ से प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में, वर्नर थ्योरी ने क्या बोला है इसके बारे में, बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आईपीएससी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।